इंशाल्लाह मेरी जान। एंड गाइस 20 से 25 मिनट से हम लोग वॉकिंग ही कर रहे हैं, 10 से 15 टैक्सी वाले को पूछ ले, कोई भी वापस जाने के लिए रेडी नहीं है। गाइस रोजे में वाट लग जाती है तो यहाँ हम करने वाले इफ्तार पार्टी। गाइस देखो इफ्तार एंड डिनर पार्टी में तमाम पार्टियों को लेकर एक ड्रिंक लगा गया, मैंगो ड्रिंक है। और यहाँ पे अपने एजाज खान भी आए हैं यहाँ पे इफ्तार पार्टी में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त, मैं आपका ऐसा उस्मान शामदीद, आपको मेरे से YouTube चैनल में। तो कैसे हो आप लोग गाइस, होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस हर साल की तरह इस साल भी हम जा रहे हैं इफ्तार पार्टी करने हैं, और फिलहाल इफ्तार पार्टी तक पहुंचने के लिए हमें सिर्फ वॉकिंग 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 करना पड़ा है, बिकॉज यहाँ पर इतनी ट्रैफिक है रमज़ान की वजह से गाइस, इतनी हद से ज़्यादा ट्रैफिक है ना कि कोई टैक्सी वाला उस साइड जाने के लिए रेडी नहीं, और हद से ज़्यादा ट्रैफिक है। और फिलहाल हम लोग यहाँ पे आइए इंजाम में, तो थोड़ा यहाँ पे रश कम है बिकॉज ये थोड़ा नॉन मुस्लिम एरिया है, तो यहाँ पे रश कम है। बट जो हम लोग एरिया में तो वहाँ पर इतना ज़्यादा रश था कि टैक्सी वाला कोई जाने के लिए रेडी नहीं। और फिलहाल हम लोग 15 मिनट से वॉक कर रहे हैं। फिलहाल गाइस बच चुका है शाम के 6 और हम लोग अभी भी फिलहाल वॉकिंग कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे मोहम्मद अली रोड साइड इतनी ट्रैफिक हो जाती है ना गाइस कि टैक्सी कहीं नहीं, और टैक्सी वाले वहाँ पे जाने के लिए रेडी नहीं जहाँ भी जाना है। इस्लाम जमखाना बहुत ज़्यादा रश है। हम अभी स्पिल 10 मिनट से कंटिन्यूसली हम लोग सिर्फ वॉक कर रहे हैं। वैसे तो हम जिस लोकेशन पे मीन्स हम जा रहे थे और जहाँ हम जा रहे हैं इस्लाम जमखाना, वो सिर्फ 5 किलोमीटर का ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बट यार गाइस रोज़े में वाट लग जाती है, तो फास्ट है 10 से 15 टैक्सी वाले को पूछ ले, कोई भी वापस जाने के लिए रेडी नहीं है। तो सोचा चलो 5 किलोमीटर तो चलते चलते पहुंच जाते हैं, तो अभी फिलहाल हम लोग चलते चलते पहुंच रहे हैं। अब फिलहाल मैं आपको सीधा वहां पे लोकेशन पे पहुंचता हूँ जहां पे हम लोग जहाँ पे इफ्तार पार्टी है, तो मिलते हैं आपको सीधा लोकेशन पर। सी गाइस यहां से आप लोग व्यू देखें, यहां पे आ गए हम नरीमन पॉइंट के करीब, और ये रहा इस्लाम जिमखाना। यहाँ हम करने वाले इफ्तार पार्टी गाइस देखो, यही हमें जाना है। और वहाँ व्यू देखो, अब वहाँ से हम वहाँ एंटर करेंगे एंड यहाँ अपनी इफ्तार पार्टी होने वाली है। ऊपर से देख लो आप, चलो चलते हैं। फाइनली गाइस आफ्टर 15-20 मिनट्स ऑफ वॉकिंग, अब देखते हैं पसीना निकल गया है। 15-20 मिनट की वॉकिंग या 25 मिनट ही पकड़ लो, उसके बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन पे। तो चलो चलता हूँ, अभी अंदर से आपको पूरा मैं दिखाता हूँ। एंड फाइनली वी रीच्ड गाइस, फाइनली गाइस पहुंच गए हम इफ्तार एंड डिनर पार्टी में। ये लोकेशन है गाइस अपनी, मैं फाइनली पहुंच गए। अभी हमारे इतनी फैमिली का वहाँ पर नाच से शुरुआत करेंगे, तो मैं फैमिली का आपको बोलूँगा आप नाच पड़े रात। यहाँ पे रोजा इफ्तार पार्टी में आए हुए हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र जी पवार के जानिब से आज ये इफ्तार पार्टी का कार्यक्रम यहाँ पे इस्लाम जिमखाना। फाइनली गाइस 15-20-25 मिनट या समझ लो आधे घंटे की वॉकिंग के बाद हम यार सुकून से आके बैठ चुके हैं। अभी फिलहाल तो यहाँ पे नाज शरीफ का प्रोग्राम चालू है, इफ्तारी चाहने के लिए कम से कम अभी 40 मिनट बाकी है। और मैं आपको बताया तो फिलहाल यहाँ पे इफ्तारी में क्या क्या अवेलेबल, वैसे तो लाइट इफ्तारी है बिकॉज यहाँ पे डिनर भी अवेलेबल है।
तमाम पार्टियों को लेकर एक ड्रिंक लगा गया है, मैंगो ड्रिंक है, जिस तरह से अलायंस आपने बनाया है और यकीन है कि आपकी कयादत में पपैया है, कलिंगड़ जो अलायंस बना है कुछ वो कामयाब हो, वहाँ पे रखे है बचिए तो इतनी ही फिलहाल हो चुके हैं। फिलहाल गाइस इफ्तारी यहाँ पे इतनी है बिकॉज जहाँ पे डिनर का भी इंतजाम है तो इफ्तार इतनी ज़्यादा नहीं है, ओके ओके है, पर जो डिनर होगा ना उसमें बहुत ज़्यादा पेट फुल हो जाता है। कोपों से गिरा दी जाती है, जहाँ नेताओं को इलेक्शन के मुंह पर गिरफ्तार किया जाता है, जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के फंड सीज किए जाते हैं, गरीबों के घर बुलडोजर से गिराए जाते हैं, नमाजियों को लातों से पुलिस के द्वारा मारा जाता है। इफ्तार के मौके पर बहुत कम वक्त रहता है, इसके बावजूद भी तमाम चीजें हमारे दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह गाइस अपनी इफ्तारी तो हो गई, इफ्तारी हो गई, यहाँ पे नमाज का भी इमाम है तो नमाज भी अदा कर लेते हैं, उसके बाद है डिनर, फिर डिनर भी खा लेंगे, इफ्तारी ठीक ठाक थी, पेट भर गया अल्हम्दुलिल्लाह, अभी जल्द से जल्द नमाज अदा कर लेते हैं मगरिबी ताकि कजा ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस यहाँ पे अपनी यहाँ पे मगरिब अदा हो गई और अभी फ़िलहाल डिनर है तो जाके देखते हैं डिनर में क्या है, लेट्स सी। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये होती है ना कि यहाँ पे नमाज भी अदा हो जाती है। अच्छा अभी चलो चलते हैं देखते हैं डिनर में है क्या, लेट्स गो, टूट पड़ते अब डिनर पर, भूख बहुत ज़्यादा लगी है। ये है कुछ रात का मंजर यहाँ का, यहाँ पे डिनर के गाइस प्लेट्स लग चुकी है, अब देखते हैं एग्जैक्टली डिनर में है क्या। पिए नहीं तुमने भाई के लिए, मैं पी लेता हूँ। दरमियान आए आपका फिलहाल यहाँ पे है गाइस चिकन टिक्का बिरयानी, ये गाइस हमने ले लिया है पर चिकन टिक्का बिरयानी जो दिखने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, अब देखते हैं खाने में कैसा है। ये बहुत अच्छा है गाइस बिरयानी का, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट है, खा लेता गाइस फिर आपको मिलता बाद में। और यहाँ पे अपने एजाज खान भी आए हैं यहाँ पे इफ्तार पार्टी में, एक नंबर मानस भी आए। एजाज भाई दबा रहे खाना मस्त, मुंबई की ना ये तो मुंबई की एकदम खास लैंग्वेज है, भाई को तो बहुत अच्छी जाती है, भाई नहीं समझे ना, हमने नहीं समझे ना भाई, क्या चाइनीज चिकन है, क्या अच्छा इंडियन चावल में चाइनीज है। तो फिलहाल कहते हैं इस इफ्तार पार्टी को बाय बाय और चलो चलते हैं, निकलते हैं, जाते हैं यहाँ से कर। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस फाइनली इफ्तारी भी हो गई, फाइनली डिनर भी हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर के खा लिया, चिकन टिक्का बिरयानी थी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र कि अल्लाह ने अपनी नेमतों से हमें नवाजा, अल्लाह का खुला को एहसान। और फिलहाल एजाज भाई भी आए थे तो मैंने एजाज भाई के साथ वीडियो भी निकाल लिया,
थोड़ी सी वीडियो निकाल लिया अपने एक नंबर मानस। तो फिलहाल तो गाइस बस आज के लिए इतना ही था, ऐसी और दो तीन और इफ्तार पार्टी आएंगी इंशाल्लाह तो मैं आपको बताता रहूँगा। फिलहाल आज के लिए इफ्तार पार्टी में इतना ही था, अभी फिलहाल निकल रहे हम जाना है तरावी के लिए, फिर मिलते हैं आपको ऐसे अच्छे ब्लॉग के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। नए हो तो लाइक करना और नीचे सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बाय गाइस।